हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम करेंगे हाइड्राफेशियल। हाइड्राफेशियल के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी ओट क्लिनज़र। ओट क्लिनज़र की हेल्प से हम लोग स्किन को क्लीन करेंगे। आफ्टर द क्लीनिंग आपको वेट टिश्यू से इसको क्लीन करना है, और इसके बाद मैं ड्राई टिश्यू से जितना भी ऑयल और वाटर है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं मैं उसको किस तरीके से कर रही हूँ। तो आपको ड्राई टिश्यू यूज़ करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे सक्शन। सक्शन से क्या होगा, जितनी भी स्किन की अंदर की गंदगी है तो वो सारी सक्शन के थ्रू निकल जाती है। तो इससे पोर क्लीन हो जाता है। जितने भी पोर्स के अंदर डेड स्किन्स होती है, डर्ट होती है, वो सारी रिमूव हो जाती है। तो आप देख सकते हो इसको कैसे करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रबर। स्क्रबर से क्या होगा, जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन करने के बाद जो जितनी भी डस्ट है वो ऊपर आ जाती है, तो इस स्क्रबर की हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। तो स्प्रे के अंदर मैंने गुलाब जल ऐड कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि इससे पोर मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम। सीरम आप अपनी अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपको अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ करना है कि स्किन के ऊपर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनको ग्लो के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी। तो विटामिन सी को आपने माइक्रोडर्माविजन की हेल्प से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेशन से क्या होगा कि जितना भी हमारा प्रोडक्ट है वो स्किन के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा और स्किन ग्लो करेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गल्वेनिक जेल विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो इसके ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे कोल्ड हेमरेज। कोल्ड हेमरेज से क्या होगा कि जितनी भी स्किन की हीट है वो रिमूव हो जाएगी। अभी ये जो मैं कलर वाला यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर रेड कलर आ रहा है, ये आ रहा है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ RF। RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो इसके बाद हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं जेल पैड फॉर द आइज़, जितने भी डार्क सर्कल्स हैं उसको कम करने के लिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल का जेली मास्क। तो दैट इज़ आल्सो गुड फॉर योर स्किन। ये भी आपने अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग और स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो। और इसको 20 मिनट आपने लगा के रखना होता है। जब भी आपको लगता है कि ड्राई हो गया तो ये नॉर्मली स्किन से पील हो जाता है। तो ये नॉर्मली है, नॉर्मली रिमूव हो जाता है स्किन से, इतना मुश्किल नहीं है। देखो मैं कितने इजीली तरीके से इसको रिमूव कर पा रही हूँ। तो आप रिज़ल्ट देख सकते हो। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। थैंक यू।